आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आप पार्टी भड़क गई। कार्यवाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई। आपने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपका कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर ईडी का दुरुपयोग कर रही है और अपने राजनीतिक विरोधों को दबाने का काम कर रही है। एंस्टा न्यूज के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं मलाई, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संजय सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से देश के अंदर देश की जो हमारी मोदी सरकार है, जिस तरीके से तानाशाही रवैये से आज आम आदमी पार्टी के एक एक करके सभी नेताओं को जेल में बिठाया जा रहा है। कोई ठोस रीज़न नहीं है, कोई ठोस कारण नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और जिस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये बड़ा दुखद है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये किसी को भी उठा लेते हैं, कारण क्या बताते हैं कि किसी ठग ने बोल दिया कि जी मैंने मीटिंग करवाई थी, मैंने बात करी थी। किसी के कहने से ये बोल देते हैं कि जी इसने बोला था कि जी मीटिंग करवाई थी, पैसे के लेन देन की बात करी थी। इस करके जो है सिर्फ इनके पास कोई और तथ्य सॉलिड वाला प्रूफ नहीं है जिस बेस पे कि आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। बोलने के लिए तो हम भी बोल सकते हैं। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आप सभी के सामने, पत्रकार बंधुओं के सामने ये बात मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी को मैंने 15 लाख रुपये दिए, उठा लो उनको, डालो जेल में। पर नहीं डालेंगे। कोई बोलेंगे ठोस प्रूफ बताओ, कोई हमारा जो कानून है देश का वो बोलता है कि भैया कोई प्रूफ, कोई ट्रांजैक्शन तो हुई होगी। तो वही चीज़ हम भी बोल रहे हैं, हमारी पार्टी भी बोल रही है कि आप बताएं तो सही कहाँ ट्रांजैक्शन हुई, वो पैसा गया कहाँ, किसने लिया, कोई वीडियो, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। किसी के भी बोलने से आप किसी को भी उठा लेंगे और चुने हुए प्रतिनिधियों को उठा रहे हैं। इनको और कोई डर नहीं है, इनका कोई भ्रष्टाचार को ख़त्म करना इनका मकसद बिल्कुल नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि जिस व्यक्ति ने देश के अंदर शिक्षा की क्रांति लाई वो है मनीष सिसोदिया जी, उनको जेल में बिठा दिया। क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों से डरते हैं, ये अनपढ़ लोगों की जमात है, अनपढ़ लोग हैं, चौथी पास इनका राजा है और देश को जो इस टाइम पे चला रहा है। जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाई वो सत्येंद्र जैन जी हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे बड़े नेता हैं। उनको अकारण ही पिछले 1.5 साल से जेल के अंदर इन्होंने बिठा रखा है। एक डर का माहौल देश के अंदर इन्होंने पैदा कर दिया है। आज एक आम व्यक्ति को डर लगा हुआ है कि मोदी या मोदी सरकार या फिर सरकार की गलत नीतियों के बारे में बोलना, उनके गलत कारनामों को उजागर करवाना एक गलत बात होगी और उनको सबको जेल में भेजा जा रहा है। इन्होंने सिर्फ एक नीति बना ली है कि जो भी आदमी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा उसको जेल में डाला जाएगा। इसी कड़ी में पिछले दिनों आपने सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के नेता संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? बोले एक आदमी ने ये बात बोल दी कि इन्होंने मनीष सिसोदिया जी की मीटिंग करवाई थी। अरे भाई, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, पिछले 1 साल से लगातार हम इस बात को पूछ रहे हैं कि घोटाला हुआ, कितनों का हुआ, कितने पैसे लिए गए, कहाँ हुआ। कभी ये बोलते हैं भाजपा वाले कि 10 करोड़ का हुआ, कभी बोलते हैं 40 करोड़ का हुआ, कभी बोलते हैं 400 करोड़ का हुआ। तो हम आप आज इसमें इस वार्ता के माध्यम से पूछना चाहता हूं इन भाजपा के लोगों से कि आप आज तक कोर्ट में प्रूफ तथ्य नहीं रख पाए कि कितने का घोटाला हुआ। ये सारा लेने का अगर बात की जाए, सब ये एक तरह का षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके शिकार आम आदमी पार्टी के नेता और विपक्ष के अलग अलग नेता भी शिकार हो रहे हैं। अब आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ देश की जनता से कि जिस तरीके से ये मोदी और शाह हिटलर शाही लेके देश में आने वाले हैं और हिटलर बनना चाहते हैं, वो हम कदापि नहीं होने देंगे। हम लोग देश के जितने भी नागरिक हैं जो देश से प्यार करते हैं, वो आज एकजुट होंगे, आगे आएंगे और इन विरोधियों का, इन लोगों का जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको अपनी पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी नहीं दिखते,
आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सेंगर यूपी में जिसने एक लड़की को रातों रात रात के 2 बजे जला दिया, वो उनको नहीं दिखा। उसके बाद अगर ब्रिजभूषण की बात करें, 1 महीने तक हमारी महिला खिलाड़ी देश की राजधानी जंतर मंतर दिल्ली में बैठी रही धरने के ऊपर, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगाया गया। आज ब्रिजभूषण आज भी जमानत पे चल रहा है। यह है भाजपा की नीति और यह है भाजपा के क्रांतिकारी लोग कि किस तरीके से यहाँ पर देश में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और बांटा जा रहा है। इनको सिर्फ राजनीति करनी है, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। देश की जनता से और देश से इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो आज इसी चीज़ को लेकर आम आदमी पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मैं आज इस प्रेसवार्ता के माध्यम से ये भी प्रदेश और देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि यह समय डरने का नहीं है, क्योंकि जो पहले आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े थे वो भी मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे। उन्होंने डायरेक्शन दी और 200 साल में हमें उन गोरे अंग्रेजों से लड़ाई पे हमारी जीत हुई थी। उसी तरीके से आज जो ईमानदार लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, उनको इकट्ठा होकर आना पड़ेगा और इन चोरों के खिलाफ ये दूसरी लड़ाई जो आज़ादी की दूसरी लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी और सभी को एक मंच पर आना पड़ेगा। सर, क्या लगता है 2000